नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो होने वाली है एक रिव्यू वीडियो। टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि क्या वीडियो है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने स्लो जूसर का रिव्यू। सो बेसिकली ये जो स्लो जूसर है मेरे पास आ गया था आई थिंक 20 डेज पहले, एंड मैं 20 डेज से इसको यूज कर रही हूँ। तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल जूसर भी है, मतलब जो मेरे पास फूड प्रोसेसर है उसमें सेंट्रीफ्यूगल जूसर भी है, एंड दिस इज द स्लो जूसर। तो आइए आज हम बात करते हैं कि क्या एक्चुअली में डिफरेंस होता है और क्या मुझे डिफरेंस फील हुआ है स्लो जूसर में और जो मैं नॉर्मल जूसर यूज करती थी उसमें। So yes, without further ado, let's just get started with the video. This video is also in a collaboration with Agaro, but इसमें जो भी reviews होने वाले हैं वो मेरे honest review होने वाले हैं, जैसा मैंने use किया है और क्या मुझे feel हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ में इसमें share करूंगी। तो सबसे पहले तो हम इस slow juicer को देख लेते हैं कि basically ये दिखता कैसा है और इसमें आप क्या क्या functions कर सकते हैं। आप इसमें एक normal juice बना सकते हैं, तो आप सारे तरह के juice इसमें बना सकते हैं, आप smoothie बना सकते हैं, साथ ही साथ आप frozen ice cream बना सकते हैं। तो ये जो स्लो जूसर है इसका मेन बॉडी कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ स्लो जूसर। अब इसमें आते हैं कंटेनर। तो ये BPA फ्री कंटेनर है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, उससे कनेक्ट करते हुए आपको इसको लगाना है। नाउ ये जो ऑरेंज कलर का है इसको बोलते हैं हम फिल्टर सपोर्ट, और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एक फिल्टर, और इसको हमको यहाँ ऑरेंज कलर का एक डॉट दिया रहता है उससे कनेक्ट करना है, मतलब इसको इंस्टॉल करना इज़ वेरी वेरी ईजी। उसके ऊपर हम यहाँ पे ग्राइंडर लगा रहे हैं जो कि स्क्वीज करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को टू एक्सट्रैक्ट जूस। नाउ अब हम इसको कवर कर देंगे। ये एक 3 इंच वाइड फिलिंग ट्यूब है जिसके अंदर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालते हैं। इस नॉब को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ से जूस निकलता है। अगेन ये BPA फ्री जूसर पल्प कंटेनर है जो कि एक्सट्रैक्ट एंड पल्प को सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एप्पल का जूस निकाल रही हूँ मैं विदाउट एनी वाटर। तो आप देखिए, ये मैंने पुशर की हेल्प से इसको पुश कर दिया है। आप ये देखिए किस तरीके से जूस को निकाल लेगा। यहाँ पर मैंने 1% ऑफ वाटर यूज़ नहीं किया है। सेंट्रीफ्यूगल जूसर के कंपैरिजन में जो स्लो जूसर होते हैं वो एक्स्ट्रा जूस देते हैं, एंड साथ ही साथ इनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ऑल्सो इन जूसर्स में ब्लेड नहीं होते हैं, एंड ये बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। ये प्रेस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आप देखिए ये जो अपना रफेज निकाल रहे हैं ये कितना ज़्यादा ड्राई है। इसमें रिवर्स फंक्शन भी दिया हुआ है, अगर इन केस कोई पीस है वो अटक जाता है या स्टक हो जाता है तो ये रिवर्स तरीके से भी वर्क करेगा। नाउ ये विदाउट वाटर मैंने एप्पल का जूस निकाला है, एंड लुक एट दैट, कितना ज़्यादा प्योर और कितना अच्छा निकला है ये, मतलब। और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी एकदम ड्राई आया है। यहाँ पर मैं पोमेग्रेनेट का जो जूस है वो निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर अगेन कोई वाटर ऐड नहीं किया है, बहुत ईजिली निकल गया था, एंड इतना ज़्यादा ड्राई इनका रफेज निकला था। इसको वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप आराम से इसको रनिंग टैप के नीचे रख सकते हैं और बहुत आराम से ये वॉश हो जाता है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसमें 3 तरह के फिल्टर्स दिए हुए हैं, एक फ्रोज़न आइसक्रीम के लिए, एक स्मूदी के लिए और एक जूसर के लिए। तीनों के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए रहती है। तो इन शॉर्ट ये जूसर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है ये फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल्स की, एंड काफ़ी ईजी भी है इसको यूज़ करना। तो हाईली हाईली रिकमेंडेड। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।